सब्सक्राइब करें रिया ड्रेस मेकर चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिया ड्रेस मेकर। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर रफल्स गाउन बनाना बताएंगे। यहाँ पे मैंने प्लेन और प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। प्लेन फैब्रिक हमने 3 मीटर लिया है और प्रिंटेड फैब्रिक हमने 1.5 मीटर लिया है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। गाउन के लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक को इस तरह बिछाया है। इसे इस तरह 2 फोल्ड करेंगे। तो इस तरह हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लिया है। अब इस तरफ ओपन है, इस फैब्रिक को हम इस तरह टर्न करेंगे फोल्डिंग की तरफ और ट्रायंगल शेप बनाएंगे और ऊपर की तरफ हम कमर की लेंथ लेंगे। हमारी कमर की लेंथ जितनी भी होगी इसे 4th पार्ट बनाना है। तो हमने यहाँ पे 9 इंचेस लिया है कमर की ब्रॉडनेस और इसे इस तरह राउंड शेप देंगे। अब यहाँ से हम बॉटम पार्ट की लेंथ लेंगे ट्वेंटी 8 इंचेस। इस तरह हम राउंड शेप में 20 इंच मार्क करते जाएंगे। इस तरह नीचे की तरफ हमने राउंड शेप देते हुए मार्क कर लिया है। अब नीचे की लाइन और ऊपर की लाइन को हम कट करेंगे। अब इसे ओपन करेंगे और इस तरफ फोल्डिंग है इसे भी हम कट कर लेंगे और 2 पार्ट बनाएंगे फ्रंट और बैक के लिए। तो 2 लेयर हमने बॉटम पार्ट का बना लिया है। अब हम टॉप पार्ट कट करेंगे। इसके लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। टॉप पार्ट की लेंथ हमने लिया है 16 इंचेस। शोल्डर की ब्रॉडनेस हम लेंगे 7 इंचेस। और यहाँ से नीचे की तरफ 7 इंच पे मार्क करेंगे आर्म होल की लेंथ। यहाँ से ऊपर तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट की ब्रॉडनेस हमने लिया है 10 इंचेस। आपका जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाय 4 करके 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है सिंगल आर्म्स के लिए। कमर की ब्रॉडनेस हमने लिया है 9 इंचेस। दोनों पॉइंट को मिलाएंगे और आर्म होल में राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ हो जाने के बाद इसे कट कर लेंगे। इस तरह मैंने टॉप पार्ट कट कर लिया है। फ्रंट और बैक पार्ट हमने टॉप का कट कर लिया है। अब दोनों पार्ट की नेक की ब्रॉडनेस और लेंथ लेंगे। नेक की ब्रॉडनेस हमने लिया है 3 इंचेस। बैक पार्ट की नेक की लेंथ हम लेंगे 3.5 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। और इसे कट करेंगे। इसी तरह फ्रंट पार्ट की नेक की ब्रॉडनेस भी हम 3 इंचेस लेंगे। और नेक की लेंथ हम लेंगे 6 इंचेस।
शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। इस तरह नेक का शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे और इसे कट करेंगे। आर्म होल में राउंड शेप देते हुए कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने टॉप का दोनों पार्ट को रखा है, दोनों पार्ट को हमने राइट साइड रखा है। इसकी नेप पे हम स्ट्रिप को अटैच करेंगे। स्ट्रिप को राइट साइड रखते हुए सिलाई लगाएंगे और रॉन्ग साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। इसी के साथ बैक पार्ट के नेक पे भी हम स्ट्रिप को अटैच करेंगे और रॉन्ग साइड फोल्ड करेंगे। दोनों पार्ट की नेक हमने बना ली है। अब फ्रंट पार्ट के राइट साइड बैक पार्ट को उल्टा रखते हुए शोल्डर अटैच कर लेंगे। शोल्डर हमने अटैच कर लिया है। अब स्लीव में हम रफल अटैच करेंगे। रफल के लिए मैंने यहाँ पे 4 स्ट्रिप ली है। ऊपर की 2 स्ट्रिप है इसकी ब्रॉडनेस हमने 5 इंच ली है और नीचे की 2 स्ट्रिप की ब्रॉडनेस 8 इंच लिया है और लेंथ हमने चारों स्ट्रिप की लेंथ हमने सेम ही रखी है। सभी स्ट्रिप की नीचे की बॉर्डर पे हम रॉन्ग साइड टू फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह हमने सभी बॉर्डर पे सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे मैंने 2 बड़ी स्ट्रिप को रखा है, इसके ऊपर छोटे स्ट्रिप को रखेंगे। इस तरह ऊपर की दोनों बॉर्डर को मिलाते हुए हम इसे एग्जिटिंग रखेंगे। इस तरह दोनों स्ट्रिप को मिलाते हुए हम ऊपर की तरफ बड़े नंबर वाली सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमने लगा दी है। अब वन साइड से एक धागे को पकड़ के हम खींचेंगे। इस तरह हम दोनों स्ट्रिप में गैदरिंग बनाएंगे। इस तरह मैंने यह रफल रेडी कर लिया है। अब हम आर्म होल में इस रफल को अटैच करेंगे। टॉप पार्ट को मैंने राइट साइड रखा है। इस रफल को हम आर्म होल में उल्टा रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह हमने दोनों आर्म होल में इस रफल को अटैच कर लिया है। अब हम बॉटम पार्ट अटैच करेंगे। टॉप का राइट पार्ट और बॉटम का राइट पार्ट को मिलाते हुए हम इसे अटैच कर लेंगे। टॉप बॉटम को हमने अटैच कर लिया है। अब दोनों पार्ट के राइट साइड को मिलाते हुए हम फिटिंग की ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह दोनों पार्ट को हमने मिला लिया है। अब हम फिटिंग की ड्रॉ करेंगे। चेस्ट की ब्रॉडनेस हमने लिया है 17 इंचेस। और कमर की ब्रॉडनेस हमने लिया है 15 इंचेस। दोनों तरफ मार्क कर लेंगे। जितना फैब्रिक हम सिंगल आर्म्स के लिए लेते हैं उतना ही हमें यहाँ पे लेना है और फिटिंग की मार्क करनी है। इस तरह हमने दोनों तरफ मार्क कर लिया है। अब हम सिलाई लगाते हुए इस गाउन को फिटिंग कर लेंगे।
स्लीव के चारों लेयर को मिलाते हुए हम दोनों तरफ सिलाई लगाएंगे। इस कुर्ती को हमने फिटिंग कर लिया है। अब इस काउंट को हम राइट साइड टर्न करेंगे। इस गाउन को हमने राइट साइड टर्न कर लिया है। अब इस बॉर्डर पे हम रफल अटैच करेंगे। रफल के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह की स्ट्रिप लिए है जिसकी ब्रॉडनेस 5 इंचेस है। नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करते हुए हमने इसकी पूरी लेंथ 5 इंचेस ली है। ऊपर की तरफ बड़े नंबर वाली सिलाई लगाई है। अब यहाँ से हम धागे को खींच के गैदरिंग बनाएंगे। स्ट्रिप की पूरी लेंथ हमने 9 मीटर लिया है। इस तरह हम पूरी स्ट्रिप को गैदरिंग बनाएंगे। इस तरह की गैदरिंग बनाने के बाद हम गाउन के नीचे के बॉर्डर पे इसे अटैच करेंगे। इस रफल को हम इस बॉर्डर पे उल्टा रखेंगे इस तरह और पूरे राउंड शेप में इसे अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद इसे इस तरह राइट साइड टर्न करेंगे तो सिलाई वाला पोर्शन अंदर की ओर चला जाएगा। तो इसी के साथ यह रफल हमने अटैच कर लिया है गाउन के नीचे की बॉर्डर पे। तो फाइनली यह डिज़ाइनर गाउन हमारा रेडी हो चुका है। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करेगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।